हेलो पीपल वेलकम टू टी क्लासेस बैक टू बेसिक्स में आज हम बात करेंगे मैक्रो के बारे में सो so, सबसे पहले तो न्यूट्रिएंट्स पता होने चाहिए न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं जो भी हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं इट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स जो प्लांट और एनिमल सोर्सेज से आते हैं हमारे फूड में ठीक है जी तो डिपेंड्स कि आप कैसी फूड ले रहे हैं एंड उसके बाद ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कुछ कंपोनेंट्स के बने होते हैं जो हमारी बॉडी को इसेंशली uh, चाहिए अपने अपनी अपकीप के लिए एंड इन कॉम्पोनेंट्स को हम बोलते हैं न्यूट्रींट्स सो न्यूट्रियट्स फर्दर आगे दो टाइप के होते हैं जैसे मैक्रो न्यूट्रींट्स है हमारे पास और माइक्रो न्यूट्रियस माइक्रो न्यूट्रियट्स है जो हमें थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में चाहिए होता है फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स और प्रोटीन्स एंड वाइटमिनस एंड मिनरल्स को हम मै माइक्रो न्यूट्रियस की कैटेगरी में रखते हैं ठीक है जी सो so, तीन हमारे पास जो है माइक्रो न्यूट्रंट्स हैं जिनको हम इस वीडियो में देखेंगे माइक्रो न्यूट्रियस विल स्टडी इन द फॉलो अप वीडियो एंड इनके अलावा कुछ डाइट्री फाइबर्स एंड वाटर की कोंटिटी भी चाहिए होती है बॉडी को सो so, इनकी क्या यूजेज है बॉडी के लिए वो हम अगली वीडियो में देखेंगे इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स और फैट्स की बात करते हैं सबसे पहले हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है कार्बोहाइड्रेट एक बायोमोलिक्यूल है जो कि कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटम से बना है एंड इसका काम क्या है बॉडी को एनर्जी देना ठीक है जी सो यही हमारी बॉडी की जो प्राइमरी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो का, कार्बोहाइड्रेट से ही पूरी होती है एंड बॉडी में ह्यूमन बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है यूजली स्टार्च और शुगर्स एंड अगर आप सोर्सेज की बात करें कार्बोहाइड्रेट्स के सो हमारे पास स्वीट पोटेटो है पोटेटो या मेलन मैंगो मेज बाजरा राइस एंड वीट तो ये कुछ सोर्सेज हैं ऑफ़ कार्बोहाइड्रेट्स एंड अगर आपको टेस्ट करना है कि मान लीजिए आपके पास कोई सैंपल है फूड का एंड यू वांट टू चेक कि क्या इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं तो आप क्या करेंगे आयोडीन सॉल्यूशन को जब उस कार्बोहाइड्रेट रिच फूड के ऊपर डालेंगे तो द सॉल्यूशन विल टर्न ब्लू ब्लैक ठीक है जी तो ये इंडिकेशन है कि आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसके बाद हमारे पास प्रोटीन्स हैं प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स के बने होते हैं एंड अमीनो एसिड्स इन टर्न दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो के बने हैं हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फिर सल्फर से एंड प्रोटीन्स का मेन काम क्या है बॉडी की एक तो ग्रोथ करना एंड रिपेयर करना ठीक है जी एंड जो फूड्स हैं जो रिच होते हैं आपके प्रोटीन्स में उनको हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी बोलते हैं एंड अगर आप जिम वग़ैरह जाते हैं तो वहाँ पर तो स्पेसिफ़िकली दे टेल यू अबाउट प्रोटीन रिच फूड्स एंड ऑल तो बॉडी बिल्डिंग के लिए जो प्रोटीन्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं एंड अगर हम इनके सोर्सेज की बात करें तो जो प्लांट सोर्सेज हैं प्रोटीन के वो हैं ग्राम मूंग तूर दाल बीन्स, सोयाबीन एंड पीज एंड जो एनिमल सोर्सेज हैं वो है मीट फिश एग्ज एंड पनीर ठीक है एंड जो टेस्ट की बात करें कि प्रोटीन है किसी पर्टिकुलर फूड में या नहीं तो हम क्या करेंगे कॉपर सल्फेट सल्यूशन और कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन डालेंगे उस फूड के ऊपर एंड इन टर्न क्या होगा जो प्रोटीन रिच फूड है इट विल टर्न वायल्ट तो ये निशानी है आपके प्रोटीन्स की एंड इसके बाद हमारे पास है फैट्स फैट्स बेसिकली आर द मॉलिक्यूल्स जो कि कार्बन एंड हाइड्रोजन में रिच हैं एंड दीज आर हाइड्रोफोबिक तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स में रिच है आपके फैट्स तो दैट इज़ वाई दे आर हाइड्रोफोबिक यानी वाटर फियरिंग एंड दे आर सॉलेबल इन ऑर्गेनिक सॉलवेंट्स एंड वाटर में वो इन रहते हैं तो क्योंकि हाइड्रोफोबिक हैं तो तभी वो आपके पानी में घुलेंगे नहीं ठीक है जी तो ऑर्गेनिक सॉलवेंट्स में ही दे विल डिजॉल्व उसके बाद फ़ैट्स का भी काम क्या है एनर्जी प्रोवाइड करना एंड इनफैक्ट अगर आप सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड सेम अमाउंट ऑफ़ फ़ैट रखेंगे तो फ़ैट से एनर्जी ज़्यादा मिलेगी आपकी बॉडी को सोर्सेज क्या है फैट के ग्राउंड नट्स सॉरी ये पिक्चर थोड़ी नीचे चली गई उसके बाद तिल नट्स एंड सनफ्लावर ऑयल मस्टर्ड ऑयल कोकोनट ऑयल और सोयाबीन ऑयल एंड जो एनिमल सोर्सेज की अगर हम बात करें क्या है तो एनिमल सोर्सेज में एग्स हैं बटर है क्रीम मिल्क घी फिश मीट तो ये सभी जो सामान है हमने एन सी आर टी से ही बॉरो किया है अगर आपके पास सिक्स क्लास की एन सी आर टी है तो उसका पहला चैप्टर ही एफ एम नॉट ऑन पहला या दूसरा चैप्टर जहाँ पर ये पूरी इन्फॉर्मेशन गिवन है ठीक है जी और अगर आप टेस्ट की बात करें कि फ़ैट को कैसे टेस्ट करें हम तो अगर आप फैट रिच फूड को एक पेपर में रैप कर देंगे एंड व्हेन यू लुक एट द पेपर इन सनलाइट तो आपको एक पैच दिखेगा एंड दिस ऑयली पैच इज़ द इंडिकेशन कि जो आपकी फूड है वो फैट रिच है ठीक है जी सो दैट इज ऑल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो एंड नाउ बिफोर वी वाइंड अप लेट मी इन्फॉर्म यू अबाउट द कोर्सेज दट वी आर रनिंग फॉर यू 2021. एस सी जनरल स्टडीज़ के लिए प्री प्लस मीनस बैच यानी हमारा पी सी बैच है जिसमें आंसर एवेल्यूशन एंड विदाउट आंसर एवेल्यूशन का जो ऑप्शन है अवेलेबल है आपके पास एंड आप इसको इंस्टॉलमेंट्स में भी परचेज़ कर सकते हैं ऐसे कोर्स है हमारा फॉर 2021 एंड ऑप्शनल uh, के दो हमारे पास कोर्सेज़ हैं पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी उसके बाद इन सभी कोर्सेज़ की अगर आप कोई कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं पी प्लस एस या पी प्लस ऑप्शनल या पी सी एंड ऑप्शनल वो भी आपके पास ऑप्शन है एंड फाइनली हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है जिसमें आप विद वीडियो सॉल्यूशंस या विदाउट वीडियो सॉल्यूशंस आप परचेज़ कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इन कोर्सेज़ को परचेज़ करे बिना भी आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इफ़ यू लाइक व्हाट वी आर डूइंग द क्वालिटी दैट वी आर प्रोवाइडिंग तो आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं स्लीपी पर जाकर वहाँ पर डोनेट का बटन है सो दैट इज ऑल फॉर द डे थैंक यू फॉर वॉचिंग